नमस्कार दोस्तों, आपका अपना ही चैनल ऑल फ्रॉम अप्लाई में स्वागत है। तो दोस्तों, उड़ीसा स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा लेक्चरर भर्ती 2021 का फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, 972 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, पूरी डिटेल जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक देखे। मैं आपको डिटेल में और बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ कि आप इसमें अपना फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, कितना एप्लीकेशन फी लगने वाला है, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां पर आपको सटीक और सही जानकारी ही दी जाती है। तो दोस्तों, इसका जो अप्लाई डेट है 22 मार्च 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट दोस्तों, जो आयु सीमा होती है 1 जनवरी 2021 को 21 ईयर से आपको 42 ईयर इसमें एज रखा गया है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन दोस्तों, अगर आप जनरल ओबीसी से आते हैं तो आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वही दोस्तों, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको मास्टर डिग्री के साथ आपको 50% यानी 50% आपको मार्क्स होना चाहिए, वह कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपका एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए आपको 500 यानी 500 रुपया लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको इसमें 200 रुपया एप्लीकेशन फी रखा गया है। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन के लिंक दे दिया हूँ, वहां से डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं कि आप इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, कब से अप्लाई होना है, पूरी डिटेल आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, हमसे कोई भी आपको जानकारी चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं इसी प्रकार की वीडियो बनाकर आप लोग के बीच लाता हूँ। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक और सही जानकारी ही दी जाती है। तो दोस्तों, अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।